नमस्ते फ्रेंड्स, आज बात करेंगे गुलदावली प्लांट के बारे में। गुलदावली प्लांट में हम क्या ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे हमें बहुत सारे फूल मिले, और कैसे उसकी केयर करें जो हमें मतलब कि जब मार्च तक का सीज़न है तब भी हमें फ्लावरिंग मिले। और तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए देखिए, ये मेरे आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। ये वाले प्लांट हैं और इसमें बहुत छोटी सी कली है। और ये तो थोड़ा सा मेरा प्लांट डिस्टर्ब हो गया था, मैंने इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी चेंज की थी। इस बीच में थोड़ी बारिश हो रही थी तभी मैंने ऐसा किया था, तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी अभी कलियाँ बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये एक वेस्ट पड़ा हुआ कंटेनर था, उसमें मैंने इसको ऐसे करके लगा रखा। इसमें आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी कलियाँ आई हैं। तो फिर सबसे पहले तो जहाँ पर मैंने इस प्लांट को रखा है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 घंटे की धूप डेली आती है इसमें। तो आप देख सकते हो कितने जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं इस टाइम जो सीजनल हैं, जैसे कि आप मैरी गोल्ड के प्लांट देखे या गुलदावली देखे या ये, मैंने सारे जो है जिस तरफ मुझे मतलब 6 से 7 घंटे की धूप प्रॉपर मिलती है, तो मैंने इधर सारे प्लांट्स रखे हैं। तो सबसे जो टिप नंबर 1 ये है कि पहले तो जो आप जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उसको धूप में ज़रूर रखिए। गुलदावली के लिए स्पेशली ये बात है। और गुलदावली ऐसा प्लांट है कि अगर ये आपका विंटर सीजन का सबसे खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको सेव करना भी बहुत आसान से ये चल जाते हैं। तो सेकंड ये कि जब इसमें जैसे कि आप अल्टरनेट डेज पे, जैसे देखिए मेरी मिट्टी जो है इसमें मॉइस्ट है, तो जैसे मैंने कल पानी दिया था तो मैं 3 दिन बाद इसको पानी देती हूँ, लेकिन जब मैं पानी इसको देती हूँ तो पूरा भर के देती हूँ, थोड़ा सा ही नहीं देती हूँ। करीब जैसे कि 8 इंच का पॉट है तो मैंने इसमें डेढ़ मग पानी दिया ताकि मेरा 3 दिन ये चले। और सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप इसको फ्लावरिंग जब पानी दें तो इसके फ्लावर से कभी पानी ना दें, फ्लावर से ही इसमें जैसे अगर पानी देंगे तो इसके फूलों से में जो मॉइस्ट है वो जम मॉइस्चर जम जाता है, जिससे फिर मतलब कीड़े ब्लैक वाले धीरे धीरे करेंगे, फिर चींटियां जो हैं पूरे फूल को ख़राब करती हैं और फूल मुरझा के गिरने लगते हैं और कलियां भी गिरने लगती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें तो हल्की सी इसमें गुड़ाई ज़रूर करें, तभी आप इसमें फर्टिलाइज़र दें। जैसे कि मेरा देखिए अभी जो है, मैंने हाल ही में इसको मतलब किया था, करीब 15 दिन हो रहा है मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, तो इसमें आप कलियाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से, मतलब ब्लूमिंग का टाइम भी हो गया है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लांट जो है एक फूल खिल करके ही उस पर फूल जो है सिकुड़ जाते हैं, तो इसमें ये करने के लिए आपको सबसे अच्छा है ये है कि आप ये ध्यान रखें कि कभी भी फूलों के ऊपर से पानी ना दें, हमेशा इसके जड़ों में पानी दें। और जड़ में पानी दें हमेशा, ऊपर से कभी नहीं, चाहे वो मैरीगोल्ड का हो या गुलदावली या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो जिनकी पत्तियों मतलब फूल से जो कलियों से बहुत से, उसमें कभी भी आपको ऊपर से पानी नहीं देना। इससे मतलब फंगस ही क्रिएट होता है और वो जो काले वाले कीड़े होते हैं इसमें लग जाते हैं पत्तों पे, जिससे प्लांट पूरा ख़राब होने लगता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपके मतलब पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो इसमें जो है पानी का लेवल हमेशा आप चेक करके दें। जैसे 3 दिन का शेड्यूल बना लें, 3 दिन बाद उसको पानी दें, तो आपका गुलदावली बहुत अच्छे से चलेगा, सनलाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, जिससे मैं मतलब मार्च के एंड तक फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आप जानते होंगे इसको मस्टर्ड केक, इस ये NPK का बहुत अच्छा स्रोत है, और इस टाइम ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए में बहुत अच्छा ठंड में काम करता है। तो ये फ्लावरिंग, तो इसको आप पाउडर फॉर्म में भी 1 चम्मच करके आप मिक्सी में पीस लीजिए तब भी आप दे सकते हो, या फिर एक लिक्विड घोल बना लीजिए। जैसे कि मैंने इसको 24 घंटे पहले भिगो दिया था, कल भिगोया था मैंने, और इसमें ये 2 ही केक डाले थे मैंने, जो ये केक आते हैं 2 केक मैंने ऐसे करके इसमें डाल दिया था। और ये देखिए, ये मैंने इसमें पानी ऐड किया है, इसका ही पानी मैंने इस पूरे मग में बनाया था, तो इसमें पानी आप ऐड करके आप इसके धीरे धीरे इसके जड़ों में दे दीजिए। और ये देखिए, और ये वैसे कि यहाँ पे भी है मेरा प्लांट, और ये मैंने इसको ऐसे दिया है,
और देखिए जैसे कि अभी ये मैंने दिया तो ये इसकी गाढ़ी जो घोल है बच गई है, तो इसमें और पानी आप ऐड कर लीजिए। और फिर उसके बाद से जो घोल होती है वो गाढ़ी किसी भी प्लांट को नहीं देना है, नहीं तो फंगस बहुत तेज़ी से क्रिएट हो जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और NPK ये बहुत अच्छा मतलब सोर्स है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो आप इसको ज़रूर प्लांट भी दें। और दूसरा फर्टिलाइज़र हम बात करते हैं ये केले, केले के छिलकों को आप काट करके पानी में 7 से 8 घंटे भिगो के उसके पानी को आप दे सकते हैं। हर 15 दिन पे आप ये NPK, ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दीजिए, या फिर ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र दीजिए, या प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र, मतलब आप 6 से 7 घंटे प्याज के छिलकों को भिगो के उसको छान के उसमें 1 1 लीटर पानी ऐड करके, जितना आप रहेगा, 1 मग्गा है तो आप 2 मग पानी उसमें ऐड करके और प्लांट्स को अपने दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और फूलों की साइज़ भी बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मास तक, ये आप 15 दिन पे ऐसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये अगर अगर आपके पास इस तरह के सूखे केले नहीं है, सूखे केले को आप क्या करिए, इसको छोटे काट करके मिट्टी में साइड से दबा दीजिए, जड़ों के पास नहीं, जड़ों के से करीब इतनी इतनी दूरी पे आपको करना है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में इसमें डाला था, देखिए मेरे पड़े भी हुए हैं इस तरह से, मैं हमेशा इस तरह से, ये बहुत अच्छा एक ये पोटेशियम का स्रोत है, जो बनाना के जो बंच आते हैं इसको आप रखने से बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र मतलब अपने प्लांट्स को मिलता है। तो ये मैं इस तरह से हमेशा ऐसे रख देती हूँ, धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं, तो फ्रेंड और इससे कोई फंगस भी क्रिएट नहीं होता है। तो इन सब सब चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से अपने विंटर के फ्लावर पला सकते हैं, गुलदावरी से, मैरीगोल्ड से, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है आप इसका यूज़ करिए और रिजल्ट देखिए। और अगर आपके प्लांट्स में कीड़े ब्लैक का या अटैक हो जाता है तो आप हल्दी का स्प्रे करिए, या फंगिसाइड कोई पाउडर हो तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों नहीं है, आपने किया है, तो आप शैम्पू में करीब स्प्रे बॉटल में बना करके उसको स्प्रे करिए, बहुत आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे, आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। और हर 15 दिन पे आप ज़रूर इस चीज़ को करिए, कभी फर्टिलाइज़र बदल बदल के दीजिए प्लांट्स को, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैप्पी गार्डनिंग।